हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फोल्डर का आइकन किस तरह से चेंज किया जाता है। उसके लिए हमें सबसे पहले न्यू फोल्डर आइकन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे नीचे प्रॉपर्टीज़ नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर हमें लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के पश्चात में हमें ये कस्टमाइज ऑप्शन में जाना है। उसके बाद में नीचे नीचे हमें ये चेंज आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमें बहुत सारे यहाँ आइकन दिखाई दे जाएंगे, इसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में हमें जो भी आइकन पसंद आ रहा है, जो भी आइकन हम रखना चाह रहे हैं इस आइकन में से, उसको चूज़ करके ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अप्लाई और फिर उसके बाद में ओके पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद में इस तरह से ये आइकन इसका चेंज होकर हमारे सामने दिखाई देगा। थैंक यू।